हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मेटफॉर्मिन टेबलेट के बारे में जानेंगे। किसका क्या यूज है, कितना डोज है, लेते समय क्या सावधानी रखनी है, कब नहीं दे सकते और टेबलेट चल रही होगी तो क्या क्या हमें जांच करानी होती है, वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है और डायबिटीज के अलावा ये PCOD में भी यूज करी जाती है, राइट। अब ये काम कैसे करती है, डायबिटीज पेशेंट में इंसुलिन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, इसलिए ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ता है, लीवर से ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करती है, वजन कम करती है, वो भी डायबिटीज के पेशेंट में अच्छी बात है। और इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करती है, अच्छे वाले लिपिड को बढ़ाती है और बुरे वाले लिपिड को कम करती है। इस तरीके से ये आइडियल ड्रग होती है डायबिटीज के पेशेंट में। जो डायबिटीज के मरीजों में पहली अगर कोई दवाई दी जाती है तो मेटफार्मिन ही होती है, राइट। तो ये इसका बेसिकली यूज है। इसके डोज की बात करें तो लो डोज से स्टार्ट करते हैं, जनरली 500 मिलीग्राम से और फिर 2000 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, जैसे जैसे दवाई का असर थोड़े दिन में कम होता जाता है और डोज बढ़ाते जाते हैं, राइट। तो 500 मिलीग्राम की टेबलेट्स आती हैं, 750 की आती है, 850 और 1000 मिलीग्राम की टेबलेट्स आती हैं। सिंगल दवाई भी दी जाती है और अलग अलग दवाइयों के कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज की जाती है, जैसे कि ग्लिपिजाइड है, सल्फोनिल यूरियाज, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिपराइड, इन सबके साथ, पायोग्लिटाजोन्स के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, कैनिग्लिफाजोन्स के साथ में, तो कॉम्बिनेशन में दी जाती है और सिंगल भी दी जाती है। कुछ ब्रांड नेम आप देख लें तब आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा। क्लाइसीफेज है, ग्लूकोफेज है, ओकामेट है, मेटफर है, डायमेट है, ग्लूकोनाम, सिटापिन और ग्लूकामेट, ये सब मोनोथेरेपी की सिंगल दवाई है। और कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो ग्लाइकाइंड एम है या ओजोमेट G1 है, ये कॉम्बिनेशन की दवाई है। और भी बहुत सारी ये लिस्ट है जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रही है, सारी लिस्ट है दवाइयों की, राइट। सो स्पेसिफिक जो डायबिटीज में इसका यूज है, एक तो वजन कम कराती है और दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता और तीसरा यूज है ये लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करती है, ये इसका मेन यूज है, इसलिए ये सबसे अच्छी ड्रग है, अमूमन खाना खाने के जस्ट बाद ली जाती है। अब इसके साइड इफेक्ट मेन 3 तरह के आते हैं, एक तो पेट से संबंधित आते हैं, ज्यादातर केस में डायरिया होना, दस्त लगना, लगभग 50% केसेस में शुरुआत में लगता है, उसके साथ में उल्टे आती है और इसके अलावा गैस ज़्यादा बनना, पेट में दर्द हो जाना, मेटालिक टेस्ट रहना, मतलब जवान का टेस्ट खराब हो जाना, इनडाइजेशन होना, इस तरह के लक्षण आते हैं मेटफार्मिन के साथ। पर इसको अवॉइड किया जा सकता है, लो डोज से स्टार्ट करके खाने के बाद खाना है, बहुत सारा पानी पीना है दिन भर में, उससे ये धीरे धीरे 1 हफ्ते 15 दिन बाद धीरे धीरे ये वाला जो साइड इफेक्ट हो कम होता जाएगा। तो पेट से संबंधित साइड इफेक्ट है, राइट, उसको इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट है लैक्टिक एसिडोसिस कराती है। लैक्टिक एसिडोसिस अमूमन तभी कराती है जब किसी को किडनी की प्रॉब्लम में दे दें या लीवर खराब हो, किसी को कोई सीवियर इन्फेक्शन है, जिस केसेस में कंट्रा इंडिकेटेड अगर उस केस में दिया जाए तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। तो लैक्टिक एसिडोसिस उस पर नजर रखने की जरूरत होती है, उसमें मसल में क्रैम्प आना, मतलब पैर के अंदर पैर में दर्द होना। और एक तीसरा साइड इफेक्ट है लंबे समय में विटामिन B12 का लेवल कम करती, इसलिए जिनको भी मेटफार्मिन लंबे समय से चल रही हो बीच बीच में उनको अपने विटामिन B12 की जांच करानी है और साथ में विटामिन B12 वाले खाने या तो टेबलेट्स ले सकते हैं। ये तो बात हो गई साइड इफेक्ट की। अब ये कब दवाई नहीं दी जाती, कब हमें इस दवाई को नहीं देना है, ऐसा ध्यान रखना है। तो जिसकी किडनी खराब है, स्पेशली अगर किडनी खराब, चूंकि डायबिटीज में होना काफी कॉमन है, इसलिए किडनी जिनकी खराब है उसमें ये नहीं दी जाती। कितना किडनी खराब है, किसी का क्रिएटिनिन 1.5 mg/dL से ज्यादा हो तब भी मेटफार्मिन नहीं दी जाती, या तो GFR कैलकुलेट कर लें, GFR 60 से नीचे आएगा तब मेटफार्मिन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति जो सीवियर बीमार है, क्रिटिकली इल है, या लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है, उसको ऑपरेशन होने वाला है, सर्जरी होने वाली, अक्यूट इमरजेंसी में मेटफार्मिन का कोई रोल नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज में नहीं दी जाती। लीवर की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें भी नहीं देना, क्योंकि ये लीवर से मेटाबोलाइज होती है, तो किसी को सिरोसिस है, हिपेटाइटिस है, उसमें ये नहीं दी जाती। और ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा एल्कोहल ड्रिंक करते हैं उनमें भी नहीं दी जाती। सो ये हो गई मेटफार्मिन ओरल हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग, बहुत अच्छी ड्रग है। इनिशियल की स्टेज में किसी को डायबिटीज डायग्नोज होता है तो यहीं से स्टार्ट की जाती है। ये 3 चीज़ों पे बेसिकली ध्यान रखना है, एक तो लीवर की जांच कराते रहना है बीच बीच में, किडनी क्रिएटिनिन पे ध्यान रखना है, अगर बढ़ने नहीं पाए, बढ़ता है तो फिर ये दवाई बंद होगी, फिर इंसुलिन चलने लगती है, और ऐसा है B12 की कमी होती है इसलिए B12 की जाँच कराना है और विटामिन B12 की बीच बीच में टेबलेट्स लेनी है। सो ये मेटफार्मिन टेबलेट के बारे में था।
सबसे पुरानी टेबलेट्स है, काफ़ी सस्ती है, 2 रुपए से भी कम में आती है। साइड इफेक्ट इसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब देखे जा चुके हैं, इफिकेसी देखी जा चुकी है, राइट। सो आई होप अगर जिसको मेटफार्मिन चल रही होगी उसको इस दवाई के बारे में जानकारी मिली होगी, और कोई क्वेश्चन हो इस दवाई से संबंधित तो आप नीचे कमेंट्स में डालें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।